नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है 5:25 खबरों का। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं टॉप 25 न्यूज। और सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। तो आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तिरंगा फहराया। समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। तो वहीं ध्वजारोहण के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी भी ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। मंच से प्रदेश के मुखिया ने कहा कि जन जन के सपनों को हम साकार करेंगे, हमारी सरकार हर वादा पूरा करेगी, हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो अभी आपने दो तस्वीरें देखी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, परेड की सलामी ली है डॉक्टर मोहन यादव ने, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जगदलपुर में मौजूद रहे। जगदलपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और तिरंगा फहराया सीएम विष्णुदेव साय ने और परेड की सलामी भी ली। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों के साथ 9 मंत्रालय और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मध्य प्रदेश की झांकी में विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी पर केंद्रित था। वहीं झांकी में मध्य प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी में मुरिया दरबार की झांकी दिखाई दी। बस्तर की 600 साल पुरानी आदिवासी संसद मुरिया दरबार है। राज्य गठन के बाद ये 17वीं बार था जब प्रदेश की झांकी ने देश का मन मोहा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने आज फिर देश के कर्तव्य पथ पर देश को और प्रदेश को गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश की झांकी आत्मनिर्भर नारी पर केंद्रित रही, जहां पर नारियों ने आज मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की झांकी की आप देख रहे हैं, मुरिया दरबार जो कि बस्तर की 600 साल पुरानी संसद है, उसकी आज प्रदर्शनी कर्तव्य पथ पर दिल्ली में आज प्रदर्शित की गई। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति दिखी। तीनों सेनाओं को महिलाओं ने आज लीड किया। कर्तव्य पथ पर महिला डेयरडेविल्स ने स्टंट भी दिखाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति को आज नमन किया गया। तीनों ही सेनाएं, भले वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो, आज उन्हें महिलाओं ने ही लीड किया है। ये शानदार तस्वीरें आप दिल्ली के कर्तव्य पथ की देख रहे हैं। और इसके साथ बैंड की भी अगर बात की हो, तो बैंड की भी अगुवाई आज नारी शक्ति ने ही की। इसके साथ ही महिला डेयरडेविल्स की टीम ने आज यहाँ पर स्टंट भी किया, सबका मन मोहा। और इसके साथ ये भी बता दिया कि चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों की बराबर
बहादुरी से खड़ी है और डट करके हर चीज का, हर संकट का सामना कर रही है और भारत का नाम हर क्षेत्र में रोशन कर रही है। तो देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस उत्साह को आज छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर गणतंत्र दिवस की तस्वीरें देखने को मिली। राजधानी रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया तो जगदलपुर में सीएम बनने के बाद पहली बार विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने तिरंगा फहराया। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव, दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया तो नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप, बलौदाबाजार में मंत्री टंकराम वर्मा ने तिरंगा फहराया। इसी तरह बेमेतरा में दयालदास बघेल, महासमुंद में ब्रिजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया तो वहीं रायगढ़ में ओपी चौधरी और सारंगढ़ में रायपुर सांसद सुनील सोनी पहुंचे और उन्होंने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी जगहों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रस्तुति दी। रायपुर पुलिस ग्राउंड में राज्यपाल ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक राज्यपाल के द्वारा दिया गया। सीएम साय ने जगदलपुर में प्रदेशवासियों को संबोधित किया, कई बड़े ऐलान किए जिनमें मुख्य रूप से किसानों को निशुल्क बिजली देने की उन्होंने बात कही। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रतलाम, रीवा, शाजापुर और अलीराजपुर की है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें हैं। उज्जैन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया तो वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तिरंगा फहराया। ग्वालियर में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ ने ध्वजारोहण किया। रतलाम के नेहरू स्टेडियम पर आयोजित समारोह में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण किया। शाजापुर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली तो अलीराजपुर में वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने राष्ट्र ध्वज फहराकर झंडा वंदन किया। और अब आपको उज्जैन में बाबा महाकाल के भी दर्शन कराते हैं। आज उज्जैन में तिरंगे के रंग में बाबा महाकाल रंगे हुए नजर आए। तिरंगे झंडे से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में गणतंत्र दिवस पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। और आपके पसंदीदा और नंबर वन न्यूज चैनल आईबीसी 24 के नए दफ्तर में भी गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आईबीसी 24 के डायरेक्टर दिनेश गोयल ने ध्वजारोहण किया और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, किसी ने डांस किया तो किसी ने कविता पढ़ी। कार्यक्रम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आईबीसी 24 के सीओओ विवेक पारिक ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम के दौरान आईबीसी 24 के सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ये किस्मतों से मिलती है ये धर्म जो सनातनी, राम नाम कहते जब भी कष्ट की है बात नहीं, राम ही थे पहले और होंगे इसके बाद भी, सर झुकाते सारे हिंदू जोड़ते हैं हाथ भी। हराएंगे राम घर में आ जाएंगे राम, मेरे हर दर्द को हराएंगे राम। जोरदार तालियां कोमल के लिए और प्रवीण के लिए। और वो पार्टनर रेनू आज यहाँ पर नहीं है वो, लेकिन मैम उन तक गिफ्ट जरूर पहुँचा देंगे। जोरदार तालियां। आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। ज्यादा और कुछ ना बोलते हुए आई के सम्मान के साथ कृषि का भी योगदान, क्योंकि इन दोनों के तो
75वें गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। पुरी में समुद्र किनारे से आयात किया गया है, रेत से सुंदर कलाकृति बनाई गई, तिरंगे के साथ राष्ट्र नायकों की ये कलाकृति बनाई गई और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुरी की तस्वीरें वायरल हो रही है, बेहद खूबसूरती के साथ ये सैंड आर्ट किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई है, तिरंगे के साथ राष्ट्र नायकों को यहां पर किस तरह से प्रदर्शित किया गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी सजाया गया। गणतंत्र दिवस से यहां पर शानदार सजावट की गई है, लेजर लाइट के जरिए महान नेताओं को यहां पर दर्शाया गया। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर सहित महान विभूतियों को लेजर शो के जरिए दर्शाया गया और 75वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी गई। तो छत्रपति शिवाजी हो या फिर मदन मोहन मालवीय हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी को यहां 75वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई और लेजर लाइट के जरिए महान नेताओं को, महान विभूतियों को दर्शाया गया। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद के अंदर मंदिर का ही ढांचा बना हुआ है, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई है। रिपोर्ट साफ कहती है कि मस्जिद से पहले वहां भव्य हिंदू मंदिर था। 2 सितंबर 1669 को मंदिर को ध्वस्त किया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार अभी भी मंदिर का हिस्सा है। एएसआई ये भी कहती है कि 32 जगहों से मंदिर के साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं। मस्जिद के अंदर 34 शिलालेख भी मिले हैं। मस्जिद में 300 देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। बताया गया है कि पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है और मस्जिद के अंदर मिले साक्ष्यों में भी 3 हिंदू देवताओं का जिक्र है। एएसआई ने 92 दिनों तक सर्वे किया और फिर 839 पन्ने की रिपोर्ट अब अदालत को सौंप दी है। ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। एस्टन वाल पश्चिमी दीवार के बारे में दिया है, अभिमुक्तेश्वर मंडप लिखा हुआ बारे में उन्होंने दिया है, तो सारे उन्होंने प्रमाण के साथ जो 839 पेज उनके प्रमाण है समरी में उन्होंने लिखा है कि मंदिर में है। और यह न्याय इतने वर्षों बाद मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदैव ऐसे आक्रमणकारियों का साथ दिया है। रायपुर में कांग्रेस लोकसभा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और बैठक में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह प्रस्ताव रखा है कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को लोकसभा के लिए टिकट दिए जाए। वही गरियाबंद में आज पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस जवान ने मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली को खून देकर उसकी जान बचाई है। मुखबिर की सूचना पर सुरक्षा बलों के जवान सिकाशेर छिंदौला के पहाड़ों पर नक्सलियों की घेराबंदी कर रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों की टीम ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली महिला नक्सली की गर्दन में जा लगी। घायल नक्सली को गंभीर हालत में गरियाबंद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान महिला नक्सली को खून की जरूरत पड़ी तो तब पुलिस के ही जवान ने फौरन महिला नक्सली को अपना खून देकर उसकी जान बचाई। खून चढ़ाने के बाद महिला नक्सली को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। का जो है नक्सली कितना भी पुलिस के साथ जो है ज्यादती करते हैं, पुलिस के खिलाफ खड़े रहते हैं, फिर भी पुलिस जो है उनको वहां से उठा करके लेके आए हैं और उसके बाद जो है पुलिस के जवान द्वारा जो है ही उसको खून दिया गया है, ब्लड दिया गया है। निश्चित तौर पर से जो है ये पुलिस के जवान का अच्छा ही पहल है। धार में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम से घर से निकला था, इसी बीच अज्ञात शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। परिजन आनंद फानंद में युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना कामबन थाना क्षेत्र के बिड़वाल गाँव की बताई जा रही है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच जारी है।
अभी हाल फिलहाल में जो जानकारी मिली है वो यही है कि गोली के कारण ही मृत्यु हुई है और ये वहीं स्कूल के आसपास कहीं पर हुई है। बाकी इसका जो पुष्टि है वो सारी पोस्टमार्टम के बाद कर ली जाएगी। एक थाना कानवर में गोली चलने का घटना हुई है, इसको इलाज हेतु यहाँ हॉस्पिटल लाए थे, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। घटनास्थल पर एसडीपी भुजिया साहब और उनकी टीम गई हुई है, तस्दीक कर रहे हैं। पेंड्रा के साप्ताहिक बाजार में मामूली विवाद में चाकूबाजी कर दी गई, घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मझगवा बाजार की ये घटना है। पेंड्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये चाकूबाजी क्यों हुई। ग्वालियर से बाल सुधार गृह से कैदियों के भागने के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सीसीटीवी में कैदियों को भागते हुए देखा जा सकता है। सभी कैदी रसोईया को धक्का देकर भागे थे। बाल संप्रेक्षण गृह से 7 कैदी भागे थे, 1 को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था। 6 नाबालिग भागने में सफल हुए थे। फरार कैदियों में अक्षरा यादव की हत्या के भी 3 आरोपी हैं। आपको बता दें, पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थी अक्षरा यादव और उसको नहीं बल्कि उसकी दोस्त सोनाली को मारने के लिए आरोपी पहुंचे हुए थे और अब ऐसे में एहतियातन सोनाली के घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह मामला है। और आइए अब देखते हैं यूपी अपडेट। गणतंत्र दिवस पर बिजनौर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परेड की सलामी लेने के लिए पहुंचे प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट सेवा के लिए 11 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। बलिया में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीएम, एसपी और प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने तिरंगा फहराया। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। परेड ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुख्य गेट से लेकर अंदर तक सजावट की गई। मैदान में रंगोली भी बनाई गई। मुरादाबाद में भी गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट सेवा के लिए 17 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। देवरिया पुलिस लाइन में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने झंडा फहराया। पुलिस परेड की सलामी ली। साथ ही मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए आईबीसी 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।